समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने झूठे वादे किए। पहले तो कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या हुई? इस सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं किया। जब बीजेपी वालों की विदाई हो तो आप लोग आगरा के हर चौराहे पर पेठा बांट देना, हम लखनऊ में बंटवाएंगे। ये बातें अखिलेश यादव ने सोमवार को आगरा में कही। वह यहाँ के GIC ग्राउंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ मंच पर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम और कांग्रेस के फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार भी मौजूद थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी वालों ने एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया, टेलीफोन की कंपनी बेच दी, किसी को नहीं पता था, सावधान हो जाओ। अभी तो इन्होंने थोड़े बहुत फैसले लिए हैं, यदि सरकार में ये लोग आ गए तो संविधान भी बदल देंगे। पर उत्तर प्रदेश की जनता कह रही कि हम संविधान बदलने वालों को बदल देंगे। मुझे याद है जब यहाँ कांग्रेस की यात्रा आई थी, मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा क्योंकि आगरा में सबसे भव्य स्वागत किया गया। सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि इस यात्रा से माहौल बन गया।